बॉलीवुड में जितनी भी बात की जाए पॉलिटिक्स से जुड़ने वाले स्टार्स की कमी नहीं। तमाम स्टार्स अपना हाथ आजमा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव से जुड़कर अपने पॉलिटिकल करियर को जमकर तारीफों में लाने के लिए और अपनी जगह पॉलिटिक्स में जमाने के लिए। लेकिन इसमें कभी बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल भी जुड़ेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जी हाँ, आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे किस तरह से बातें हो रही है धर्मेंद्र उनके बेटे सनी देओल की। धर्मेंद्र लगातार अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए थे, ये तो आप भी जानते हैं। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जब वोटिंग से पहले कर रही थी लोगों से वोट पाने की अपील, तो धर्मेंद्र को गिड़गिड़ाते नजर आए और उन्होंने वोट मांगने की अपील की। भाजपा के लिए जनता के बीच जमकर प्रचार करते हुए, लेकिन इसकी उम्मीदें कहां किसी को थी कि हेमा से सीख लेकर हेमा के इस फैसले से इम्प्रेस होकर उनके सौतेले बेटे सनी देओल भी भाजपा से जुड़ जाएंगे। लेकिन गुरदासपुर में 19 मई को होने वाली है वोटिंग। पंजाब के गुरदासपुर जहां भाजपा के नामांकन दर्ज कराकर भाजपा के उम्मीदवार सनी देओल जुड़ गए हैं इस बार लोकसभा चुनावी दंगल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम। मैं तृप्ति आज आपको बताऊंगी इस खास प्रोग्राम के साथ कैसे सनी देओल को लेकर लगातार चर्चे जारी है। सनी देओल को लेकर ये तक खबरें आई कि सनी देओल जो अपने पूरे परिवार को रखते हैं लाइमलाइट से दूर, फिर चाहे सनी देओल को लगातार बात करते आपने देखा हो, सनी देओल मीडिया से कभी दूर नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चे सालों तक मीडिया से दूर रहे। उनके बच्चों ने हमेशा मीडिया से दूरी बनाई, उनके बच्चों ने हमेशा इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर खुद को रखा, लेकिन अब वो जुड़ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से और ऐसे में लोकसभा से जुड़े सनी देओल को अब मिला है साथ उनके बेटे और उनकी पत्नी का। जी हाँ, हाल ही में करण देओल ने एक फोटो शेयर की थी अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ। तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा था, विदाउट यू इन माई लाइफ आई एम हेल्पलेस, टू मी यू आर ऑलवेज परफेक्ट, हैप्पी मदर्स डे मॉम। मदर्स डे के मौके पर करण देओल ने फोटो शेयर की जिसमें उनकी माँ नजर आई पूजा देओल और उनके भाई। लंबे समय बाद सामने आई है पूजा देओल। तस्वीर के जरिए ही सनी देओल के प्रचार में नजर आ रही है पूजा देओल, ये भी बातें हो रही है। तो वहीं इसी के साथ करण अपनी माँ को लेकर आए हैं और माँ के सामने आने के बाद करण देओल ने फिर से एक फोटो शेयर की। करण देओल ने एक फोटो शेयर की और उन्होंने लिखा, फ्रॉम बीइंग माय टैग टीम पार्टनर टू स्टैंडिंग साइड बाय साइड व्हेन इन ट्रबल, हियर इज विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे राजवीर, हैव अ ग्रेट वन। जी हाँ, अपने भाई रजवीर को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए दो दिन पहले करण ने ये फोटो शेयर की थी। आपको हम बताना चाहेंगे अपने पिता के बेहद करीब है करण देओल, ऐसे में अपने पिता के लिए भले ही लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रोड शो के बीच नजर ना रहे हो करण, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए वो सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जी हाँ, भीड़ के बीच भी सनी देओल को अपने बेटे के साथ पहले भी देखा जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दे, भले ही सनी देओल अपनी पत्नी पूजा का तस्वीरों को शेयर ना कर पाए हो, लेकिन पूजा के साथ उनके बेटे नजर आए। लोकसभा चुनाव के इस आखिरी चरण में होने वाले वोटिंग से पहले सनी देओल के लिए उनके बेटे ने ये तोहफा ही तो दिया, जो अपनी माँ के साथ पुरानी यादों को शेयर कर लोगों को उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दे, लास्ट टाइम सनी देओल अप्रैल में नजर आए थे एक फोटो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर, जिसे लेकर उन्होंने लिखा था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो फ्लाइट के अंदर काफी मायूस भी नजर आए थे और सोच में पड़े हुए नजर आए, इसका कारण मालूम नहीं हो पाया। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे, सनी देओल जो कि अपनी लास्ट रिलीज हुई फिल्म ब्लैंक को लेकर काफी ज्यादा तारीफें लूटी हैं, उन्होंने अचानक ही एकदम से ही
खुद को भाजपा से जोड़ने का फैसला लिया, जिसे लेकर आम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन धर्मेंद्र उनके साथ हैं, उनकी सौतेली माँ उनके साथ है। वहीं आपको बता दें, बिल्कुल सनी देओल पर गए हैं करण। अपनी माँ प्रकाश के साथ जिस तरह सनी का प्यार लाजवाब है, उसी तरह करण का प्यार अपनी माँ के लिए लाजवाब है, जो कि उनके साथ नजर आते हैं। सनी देओल की पत्नी और उनके बेटे एक साथ मिलकर अब लोकसभा चुनाव में अपने घर के सदस्य सनी को जीत दिलाने के लिए इस तरह तस्वीरों के माध्यम से सामने आए हैं, जिसे देखकर अब यकीन हो गया है कि पूजा जल्द आएंगी और तोहफा देंगी लोगों के बीच नजर आकर कि वो भी अपने पति के साथ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।